देखिए नमस्कार दोस्तों, आपसे महेंद्र सिंह धोनी को दुनिया भर के सबसे खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाज और कप्तान मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग और पंजाब किंग के बीच खेले गए मुकाबले के बारे में और आपको शुरू से अंत तक की फुल हाईलाइट दिखाएंगे। इतना ज़्यादा ये मुकाबला जबरदस्त चला, इतना ज़्यादा मस्त चला, नाम मत लीजिए। ये मुकाबला खेला गया था पंजाब के घर में जाके चेन्नई हरा के आई है और चेन्नई के ये दबदबा देखने के बाद सबको इनको सलाम पे सलाम ठोक रहे हैं क्योंकि चेन्नई को घर में घुस के हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम होता है और सॉरी पंजाब को घर में घुस के हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम होता है, लेकिन उसको आसान कर दिए। भले इस मुकाबले में आज धोनी की बल्लेबाजी देखने के लिए ना मिला, लेकिन इस मुकाबले में रविंद्र जडेजा ने अच्छी खासे पारी फील्ड करते हुए नजर आए हैं। आपको बता देते हैं जडेजा ने इस मुकाबले में 43 रनों की पारी खेले, उसके बाद इस मुकाबले में अपनी टीमों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे गेंदबाजी भी किए जिनमें 2 छक्के भी थे। ऋतुराज गायकवाड़ 32 रनों की पारी, डेरी मिचल 30 रनों की पारी, शिवम दुबे 0 पर आउट हो गए थे जिस कारण से अच्छे खासे रन बने थे। मोइन अली 17 रन बनाए, शार्दुल ठाकुर 17 रन बनाए और इस मुकाबले में आपको बता दें धोनी ने पहले गेंद पर हर्षल पटेल के होल्ड हो गए, उसके बाद इस मुकाबले में कोई अच्छे बल्लेबाजी ना कर सके जिस कारण से 168 पर जीत हुआ था। उसके बाद इस मुकाबले में 139 पर उनकी पारी हो गई समाप्त। शशांक सिंह ऐसे बल्लेबाज थे जो इस मुकाबले में 27 रनों की पारी खेले। प्रभु शर्मा सिंह जो थे 23 गेंदों में 30 रनों की पारी खेले, उसके बाद किसी ने अच्छा बल्लेबाजी ना किया और गेंदबाजी में जडेजा को मिला 3 विकेट। तो आपको बता दें 2 विकेट मिला देश पांडे को, 1 विकेट मिला शार्दुल ठाकुर को, डेरी सेंटर को इस मुकाबले में 1 विकेट मिला और इस प्रकार से मैच का पसा पलट गया और चेन्नई ने इस मुकाबले में जीत गया। तो चलिए दोस्तों, आई होप इज अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो अच्छे लगे जरूर से वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।